2 दिसंबर को पार्षदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में अभी तक देहरादून में निकाय चुनाव की तैयारियां तक शुरू नहीं हो पाई है, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि हार के डर से बीजेपी सरकार निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव की बात करवाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसी ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर अधिकांश निकाय हैं जो बीजेपी के पक्ष में है, अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं और जब चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर इन स्थानों पर बीजेपी रिपीट करेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। निकाय चुनाव को जो उत्तराखंड का चुनाव आयोग है ये तैयारी कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी बिंदु आ गए हैं, क्योंकि इस आरक्षण का जो विषय है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसी के साथ कुछ परिसीमन के विषय भी हैं, तो आयोग इसके बारे में लगातार काम कर रहा है और जैसे ही ये कार्रवाई पूरी होती है स्थानीय निकाय के चुनाव भी निश्चित तौर पर करा दिए जाएंगे। और हम जानते भी हैं कि उत्तराखंड के अंदर अधिकांश जो निकाय हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, और जब चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर एक बार हम फिर इन स्थानों पर